सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में सोलर ज्योमेट्री में प्रश्न नंबर 25, चतुष्फलक का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि उसकी एक भुजा HP पर खड़ी है और XY के दाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये चतुष्फलक है, इसकी भी आपने डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे XY रेखा ले लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये हमारी है XY लाइन है। ये कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से, ये मैंने आपको पहले ही बताया ये 90 डिग्री का कोण है, ये 45 का, ये भी 45 का है। तो यहाँ से हमने 45 डिग्री का एंगल इसमें बनाना है। इस तरह से हम यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं इस तरह से, और हम इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे यहाँ से, ये हमारा कोण 45 डिग्री का आ गया है। जो आपका ये सेट स्क्वायर होता है, ये इसमें ये छोटा सेट स्क्वायर है, इसमें कोण 45, दो कोण 45 के होते हैं और एक और इसमें 90 डिग्री का होता है। इस तरह से हमने ले लिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें 45 डिग्री। इसकी जो भुजा है, आधार जो इसका है वो है 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लेना है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और ये हम इसमें नाम दे सकते हैं, ये हमारा है बी, ये हमारा है सी। तो हमने बनाना है चतुष्फलक, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर आप प्रकार खोल दीजिए इस तरह से, और आप यहाँ हल्का सा निशान लगा देते हैं हल्की सी, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया है। यहाँ पे ये हमारा ए आ चुका है और हमने इसको मिला देना है ए को बी के साथ और सी के साथ। इस तरह से हम इसको मिला देंगे और जो हमने चाप लगाई थी इस चाप को हम मिटा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या करना है, जो इसकी कोण है सी और बी कोण है, इसका हमने समद्वि विभाजन करना है, मतलब इसका आधा हमने करना है यहाँ से इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको मिला देंगे डॉटेड, और इस कोण का भी हम आधा कर लेंगे। इस तरह से इसको भी मिला देंगे इस तरह, जहां ये मिल रहा है वहां पे हम ये वाला कोण भी मिला देंगे और ये जो हमारी लाइनें आएगी ये हमारी डार्क आएगी क्योंकि ये चतुष्फलक है। तो चतुष्फलक की आपने डेफिनेशन लर्न कर लेनी है तो आपको पता चल जाएगा चतुष्फलक क्या होता है इस तरह से, और ये हमारा पॉइंट आ जाएगा ओ। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब इसकी हाइट दी हुई है तो ये कैसे बनता है, अब हमने क्या करना है यहाँ से जो आपकी ये ए और सी रेखा है इसी के समानांतर आपने रेखा लेनी है यहाँ से ओ से, ठीक है, यहाँ से ये ए सी है तो ए सी के समानांतर हम रेखा लेंगे यहाँ से ओ से, इस तरह से डॉटेड हम रेखा लगाएंगे इस तरह से ये, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमारा है बी पॉइंट जो है, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ से हमने प्रकार खोलनी है सी जितनी, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने ध्यान रखना है, ये देखिए ठीक है, यहाँ से हमने चाप लगानी है इस तरह से, ये जो है
ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो आपका पॉइंट आ रहा है ये हमारा पॉइंट है डी, ये जो आपकी डी और ओ रेखा है ये है चतुष्फलक की यहाँ से ऊपर की हाइट इसकी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं, यहाँ से पहले हम एक्स वाई रख लेंगे इसका, ए का प्रोजेक्शन इस तरह से, ये हम रोटेट लेंगे यहाँ से, ये जो हमारी रेखा ये हमारा आधार है, ये था 4 सेंटीमीटर दीवार, ये जो रेखा ये इसका जो नाप है वो हमें नहीं दिया है, तो इसका नाप है ये आप देख सकते हैं ओ से डी जो है वो ये वाली रेखा है, इस तरह से इसकी हाइट आती है। अब हमने क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन लेना है यहाँ से बिल्कुल, और अब हमने लेंगे इसका ओ का प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से डॉटेड इस तरह से, और हमने लेना है सी का प्रोजेक्शन यहाँ से इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे इसको, ये हमारा है ए और ये जो हमारा आ रहा है ये हमारा है बी इस तरह से, और ये हमारा जो है ये हम यहाँ पर अभी इसको नाम देंगे डी, ओ जो है वो ऊपर इसका आ जाएगा, ये जो हमारा है वो है ई। अब हमने क्या करना है, जितना आपका ये आपका डी ओ है इतने प्रकार हम खोलेंगे, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से ऊपर हम जो है वो निशान लगा देंगे इस तरह से, जितना आपका डी ओ है ये आप देख सकते हैं, डी से ओ हम यहाँ ले लेंगे और इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे, जो हमने ओ डी रेखा ले रखी है ये जो आपकी रेखा है इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये है चतुष्फलक की हाइट, चतुष्फलक की हाइट इस तरह हमारी आती है इस तरह, आप देख सकते हैं ये जो आपका पॉइंट है ये अब आपका है ओ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमें ए ये दिख रहा है, तो ए हमें दिख रहा है ये डार्क हमारी रेखा है यहाँ पे ओ ए इस तरह से, बी इन रेखाओं के पीछे है तो बी हमारा डॉटेड आएगा यहाँ से इस तरह से, आप देख सकते हैं ये हमारा ई है, ई हमारा डार्क आएगा इस तरह से, हम ओ ई को मिला देंगे डार्क इस तरह से, और ये हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 25 है, ये हमारा बनके तैयार हो जाए इस तरह से आपने इसको बनाना है। ये चतुष्फलक है, ये मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ इसमें ये मेन पॉइंट है कि इसकी हाइट नहीं दी होती है, तो हाइट जो हमारी है वो यहाँ से ए सी के समानांतर हमने ओ से रेखा खींचनी है, और फिर हमने बी पर प्रकार करके सिजनी प्रकार खोल के हमने चाप लगानी है जहाँ ये कट रही है पॉइंट, जैसे हमारा डी आया था, ओ डी जो है वो चतुष्फलक की हाइट है, बस इतना सा इसमें चेंज है, बाकी जो हमारे है वो जैसे सॉलिड और होते उसी तरह से ये भी आपका बन जाएगा, तो आपने इसको अच्छे से सफाई के साथ बनाना है।